जय हिंद दोस्तों, इंडिया में Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च हो चुका है। अरे तो क्या करूं, नहाऊं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े भाई Redmi Note 12 Pro Plus 5G के बारे में। डिटेल में बताऊंगा आपको इस स्मार्टफोन में क्या क्या मिल रहा है। बराबर बराबर, बहुत बढ़िया आइडिया। मेरे पास स्मार्टफोन तो नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरा है। ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा कि आपको इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए या नहीं। मेरा नाम है अभिराज कुमार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिराज टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इनका लॉन्च इवेंट देख रहा था, वहां पे जो लोग मौजूद थे ना, वो हर बात पे एक्साइटेड होकर हल्ला कर रहे थे। पहले तो सुन तो लेता भाई कि वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले बात करने वाले इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि 200 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का है। गजब। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेंटर पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जिसमें सैमसंग का HPX सेंसर देखने को मिल जाता है। इस सेंसर के साथ इंडिया में ये पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। सुपर OIS मिल जाता है, तो आप इस स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपकी वीडियो काफी ज्यादा स्टेबल होने वाली है। 4K 30fps तक हाईएस्ट वीडियो कैप्चर कर पाओगे। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। 10x डिजिटल जूम दिया गया है। फ्रंट कैमरा से हाईएस्ट 1080p एट 60fps शूट कर पाओगे। सोनी का सेंसर दिया गया होता तो और भी अच्छा होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो लेंस दिया गया है वो केवल नाम के लिए है। बात तो सही है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। इसमें MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट मिल जाता है, जो कि 6nm चिपसेट है, तो बैटरी सेवर होने वाला है। 500,000 अप्रॉक्स Antutu स्कोर आ जाता है। नो डाउट प्रोसेसर अच्छा है, बट इस प्राइस रेंज पे नहीं। करेक्ट। डिजाइन के बारे में बात करें, 6.67 इंच का FHD प्लस प्रो AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 900 nits मिल जाता है, जो कि रियलिटी बताऊं तो थोड़ा सा कम है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। 10-bit डिस्प्ले है जिसमें 1 billion प्लस कलर्स मिल जाएंगे। डॉल्बी विजन और एटमॉस दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो काफी अच्छा है। झूठा। और हाँ, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अरे तो क्या करूं, नहाऊं? बैटरी एंड चार्जर की बात करें, 4980mAh की बैटरी जो कि 120W फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है, आपके स्मार्टफोन को 0-100 केवल 19 मिनट में फुल चार्ज कर देगी। मैं नहीं मानता। और हाँ, चार्जर बॉक्स में ही मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। बैटरी एंड चार्जर के मामले में नो डाउट ये स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट है। ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर में मिल जाएगा, जो कि स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। UI की बात करें, MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा और ये मिक्की भैया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 देना ही चाहिए था। अच्छा बात नहीं है। इस स्मार्टफोन का वेट 208 ग्राम है। 5000 mAh बैटरी है तो थोड़ा सा हैवी तो होगा ही। Wi-Fi 6 10 बैंड का सपोर्ट मिल जाता है। टाइप सी चार्जर, डुअल स्टूडियो स्पीकर मिल जाएगा। नैनो सिम स्लॉट दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है, इस स्मार्टफोन में आपको 3.5mm जैक मिल रहा है। Oh my God! Wow! UFS स्टोरेज टाइप 2.2 मिलता है। LPDDR4X RAM टाइप दिया गया है। इस प्राइस रेंज में आपको UFS 3.1 और LPDDR5 RAM देना ही चाहिए था। सही बात है। प्राइस की बात करें, ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। 8GB रैम, 256GB स्टोरेज जिसका प्राइस 30K है। 12GB रैम और 256GB स्टोरेज जिसका प्राइस 33K है। ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ आपको 3000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो इस स्मार्टफोन को बाय नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन है इस स्मार्टफोन का ओवर प्राइस्ड। इस स्मार्टफोन का प्राइस 25,000 से 26,000 होता तो नो डाउट मैं आपको रिकमेंड करता इस स्मार्टफोन को बाय करने के लिए। पढ़ पढ़ के कितना ज्ञान अंदर भर लिया है, भारी हो गया है। आपसे मेरा एक सवाल है, अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं तो आप रेडमी का फोन बाय करोगे या सैमसंग या वन प्लस का? बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपके मन में इस स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।